निर्भया कांड को लेकर कोर्ट का फैसला आया, 7 साल का वक्त जरूर लगा और तारीख भी मुकर्रर कर दी गई कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। लेकिन इस बीच जो आरोपी हैं वो भी फांसी को आगे बढ़ाने, टालने और तमाम तरह की कोशिशें करते दिखाई दे रहे। क्या वो कोशिशें, एक रिपोर्ट के जरिए खबर आप तक। जिस फैसले का देश को इंतजार था आखिर वो फैसला आ गया। जिस दिन के लिए निर्भया के माता पिता 7 सालों से इंतजार कर रहे थे आखिर वो तारीख उन्हें मिल ही गई, जब बेटी को न्याय मिलेगा। अब तक देश 22 जनवरी को निर्भया के आरोपियों को होने वाली फांसी की सजा के फैसले का स्वागत कर रहा था, लेकिन अब इस फैसले को लेकर दोषियों के कानूनी अधिकार अड़ंगा लगा रहे हैं। दरअसल निर्भया केस के 4 दोषियों में से एक दोषी विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की है, जिसमें कहा जा रहा है कि इससे फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है। निर्भया के दोषियों को फांसी मिलने में अभी भी कुछ कानूनी पेच है। निर्भया के दोषियों के पास कुछ कानूनी अधिकार हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस बात का जिक्र फैसला आने के बाद ही निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करता है और 14 दिनों के अंदर इस पर फैसला नहीं आता तो तारीख आगे बढ़ सकती है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भी इन दोषियों की दया याचिका लंबित है और अगर राष्ट्रपति इन दोषियों की दया याचिका पर 14 दिनों में फैसला नहीं लेते तो भी फांसी की तारीख आगे खिसक सकती है। ऐसे में निर्भया के दोषियों को फांसी हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यूरेटिव पिटीशन को जहां खारिज करना होगा तो वहीं राष्ट्रपति को दया याचिका को नामंजूर करना होगा। हालांकि देखा जाए तो दोषियों को अब तक कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय की फांसी की सजा को बरकरार रख पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, जहां कोर्ट ने कहा था कि दलीलों में विचार करने लायक कुछ नहीं है। इसी दौरान दूसरे दोषी पवन ने अदालत से कहा कि वारदात के वक्त वो नाबालिग था तो ऐसे में उसे थोड़ी बहुत राहत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने दोषियों की सजा को बरकरार रखा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यूरेटिव पिटीशन है क्या। दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन पुनर्विचार याचिका से थोड़ा अलग होती है। इस याचिका में फैसले की जगह पूरे केस में उन मुद्दों और विषयों को चिन्हित किया जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि इस पर एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है। अब तारीखों के पेच में निर्भया के गुनहगारों को कुछ और दिनों की मोहलत मिल सके ऐसी उम्मीद दोषी लगा रहे हैं। एक बार फिर तारीखों के आगे इंसाफ मजबूर है और अब देखना होगा कि क्या दोषियों के अधिकारों के सामने कानून के हाथ बंधे हुए दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।